आज से ठीक एक साल पहले मैंने अपनी लास्ट लाइफ हैक्स वाली वीडियो बनाई थी। टॉयलेट की सीट को गले में डाल के उस पे खाना खाने से लेके छी क्या डाइनिंग टेबल पे इसको रख रहा हूँ। ओ वाओ वाओ, अभी देखो मैं इसके साथ कहीं भी जा सकता हूँ। वाटरमेलन में कोक डाल के पीने तक। इसके अंदर कोक डाल लीजिए, सो ब्यूटीफुल। और इसमें अब आप स्ट्रॉ लगाए। उल्टे चम्मच से दूध और कॉर्नफ्लेक्स खाने से लेके चम्मच की बैक साइड से। वाओ वाओ, इट वर्क्स। केचप से शेव करने तक। ओ माय गॉड, मैंने सभी तरीके के ऊट पटांग लाइफ हैक्स ट्राई कर लिए थे, अब क्या ही बचा था। तो मैं संन्यास लेके अपना जीवन आनंद से व्यतीत कर ही रहा था कि तभी अचानक मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन बजी और मुझे ये हैक दिखाई दिया। एक दिन आप बाथरूम में नहा रहे होते हैं एंड तभी आपको रियलाइज होता है कि आपके हैंड शावर को टांगने के लिए तो आपके पास कोई जगह ही नहीं है। ओ माय गॉड, आपकी जिंदगी अचानक एकदम काली हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। लेकिन तभी आपको एक लाइफ हैक समझ आता है। आप एक टेप लेते हैं और उस हैंड शावर को अपने पूरे थोबड़े पर टेप कर लेते हैं। जी हाँ, यस जी हाँ, इट वर्क्स। और ये इट वर्क्स का भी इसने हमें सिग्नल दे दिया है। और अब अपना स्नान एंजॉय करिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा दिमाग का भरोसा कर देने वाला लाइफ हैक मैं कभी देखूंगा ऐसा मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। मतलब इसने तो मेरे दिमाग को ऐसा चोक स्लैम मार के फ्लिप करके रैंडी ऑर्टन वाला आरकेओ मार के जॉन सीना की बैटिस्टा बॉम्ब भी मार दिया है। भाई क्या था ये। और उससे भी बड़ी बात, कौन है ये लोग जो ऐसे वाले लाइफ हैक ट्राई करते हैं। ये वाले लाइफ हैक की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है मुझे अपनी स्पेशली जीवन में, क्योंकि ये हैंड शावर कहां लटकाऊं मुझ बेवकूफ को तो पता ही नहीं है। और पता है मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ कौन है? तुम, जिसे ये लग रहा है कि मैं ये फालतू का हैक ट्राई करने वाला हूँ। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा है कि जस्ट बिकॉज मैं कोई लाइफ हैक ट्राई कर सकता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सच में वो लाइफ हैक ट्राई कर लूंगा। वाओ, यस गाइस, अब ये वाला लाइफ हैक जो है इसकी वजह से तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं ढंग से नहा पाऊंगा? एक हफ्ते से तो नहाया नहीं है। ये बात बतानी जरूरी थी क्या? ये बातें बताई नहीं जाती। बट गाइस, वाओ, अब तो मैं सच में नहा पा रहा हूँ। ठंड में, इतनी सर्दी में, इतने ठंडे पानी से। दिस लाइफ हैक वर्क्स, इट वर्क्स, इट वर्क्स। अरे ये टेप कैसे उतर गई आप? पापा मेरी दाढ़ी में चिपक गई। टेप के साथ साथ बाल भी उतरेंगे बेटा तेरे। ये मत बोलो प्लीज, वैक्स हो रही है लग रहा है। बच गया बेटा, मेरे कितने थोड़े से बाल, मेरे कितने सारे बाल टूट गए। इट वर्क्स, पर मेरी दाढ़ी निकल गई आखिरी। ये सारे बाल इस पे लग गए। कई साल बाद दाढ़ी आती है तो उतनी तो एक सेकंड में उड़वा दी है। गजब बेइज्जती है। तो एक दिन दीदी सुबह सुबह उठी, काम के लिए निकलने लगी, लेकिन इनको ब्रश भी करना है, पर ये काम पे जाने के लिए लेट भी हो रही है। अब ब्रश करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दीदी क्या करेंगी, एक लाइफ हैक अपनाएंगी जहां पे ये दो ब्रश लेंगी, उनको इस तरीके से रबड़ के साथ बांध लेंगी एंड अब आपके पास है आपका डबल एक्शन ब्रश, जिसके साथ अब आप टाइम बचा पाएंगे क्योंकि आप ऊपर और नीचे वाले दांतों को एक साथ ब्रश कर पाएंगे। वो बात अलग है कि दीदी जब ब्रश कर रही थी तो दोनों ब्रश उनके मुंह के अंदर जा भी नहीं रहे थे, ठीक है। और इन केस चलो तुमने बहुत बड़ा मुंह खोल के ऐसे आ करके दोनों ब्रश डाल भी लिए तो पीछे वाली साइड कैसे ब्रश करोगे, या फिर जब सिर्फ ऊपर के दांत साफ करने हैं सामने से, या अगर जीप साफ करनी, मतलब तुम समझ रहे हो कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि ये फालतू का लाइफ हैक ट्राई। पापा पापा पापा, क्या आप ब्रश कर रहे हैं? मैं क्या? क्या बूमर तरीके से ब्रश कर रहे हैं यार, जेंजी तरीके से ब्रश कर रहे हैं। रोल नहीं कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है? तो गलत है ना आप, अब थोड़े से पापा पुराने जमाने के हो गए हैं, नए जमाने के तरीके से ब्रश कीजिए। ये लीजिए, एक साथ दो दो ब्रश को यूज करिए, अब करिए ब्रश। अरे ये आप ऊपर और नीचे वाले दांत दोनों साथ में ब्रश कर पाएंगे। ऐसे ऐसे करो, नहीं ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। अरे पापा,
ऐसे ऐसे। अबे ये क्या पागल बना है? ऐसे अब मुंह खोलो पूरा बड़ा मुंह। इससे टाइम बचेगा। दिस इज द जेन जी तरीका ऑफ ब्रशिंग ब्रो। ये पूरा मुंह खोलो पूरा मुंह। पापा अभी भी नहीं समझ रहे हो, छोड़ो छोड़ो। एग्जैक्टली पसंद नहीं आया? Guys, Papa हमारे जो है थोड़े से पुराने ज़माने के, he doesn't know the modern ways, man. This is the modern way of brushing, bro. Modern ज़माने का तुम करो, हाँ। क्या बात है, guys? देखिए, Papa ने hack में भी नया hack लगा दिया। आपको दोनों बिल्कुल नहीं पसंद आया। आपको दोनों रबड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। भैया भैया मेरे को भी बनानी है बॉडी। बच्चों का खेल नहीं है बॉडी बनाना। चल हट निकल। मैं मम्मी को बताऊंगा। क्या आप भी बॉडी बनाना चाहते हैं? हाँ। लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते? हाँ। तो घबराइए मत, 5 मिनट क्राफ्ट लाइफ हैक्स वाले आपके लिए लेकर आए हैं ये लाइफ हैक। I know an easy life hack. Tape is my personal trainer. अच्छा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? Check out my biceps. I'm the best. अब मैं भी बनाऊंगा बॉडी। जल्दी टेप लगा, टेप लगा। अरे पूरी मेरी बांधनी पे। बस बस थोड़ी सी यहाँ पे। ओ भाई, वो डोड़ा आ गया, वो डोड़ा आ गया। भाई साहब इतना लाल हो चुका, फटने वाला है भाई। ये एक एक मिनट में बॉडी कैसे बना ली तूने? 5 मिनट क्राफ्ट लाइफ हैक। चार साल हो गए थे, अब तक डोला नहीं बना। निकल ले। इट वर्क्स। अब हर बुली को करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब दे दिया। पिछवाड़ के बीच में कुत्ता कौन मारता है बे? कंपैरिजन। भाई सच्ची में डोला बन गया भाई। इट वर्क्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में छन्नी है? हमारे यहाँ पे छन्नी कहते हैं उसको, इंग्लिश में सीव कहते हैं। बेसिकली खाने में से अगर पानी निकालना हो या चाय में से चाय पत्ती निकालनी हो तो यूज होती है ना। हाँ वो है तुम्हारे? नहीं है? अरे नहीं भाई। चलो कोई टेंशन नहीं है, ये अगला है ना, फिर तो तुम्हारे लिए ही है। वाओ, कलाकारी दिखाने के लिए टॉयलेट का कमोड ही मिला था अगलों को, उसके बाद नूडल्स डाल के उसका पानी निकाल रहे हैं, इसके बाद ये नूडल्स खाएंगे भी। सालो शर्म आ रही है, ऐसा डिस्गस्टेड फील हो रहा है सिर्फ बोलते हुए भी, और ये लोग ये कर रहे हैं। बहुत सारी वाहियात सी हैक्स करी हैं अपने चैनल पे, पर दिस टेक्स द केक। इससे ऊपर, इससे वाहियात कभी कुछ हो नहीं सकता। और ये करने के बाद मेरी माता प्रोबेबली मुझे घर से निकाल देगी। तुमने ये अगर कुछ करा ना ऐसा तो सच में। बस अब ये नेट लग चुका है, अब आपको अपने नूडल्स पानी में भिगोए हुए लेने हैं और ऐसे करके यूं डाल ले तो पानी पानी सारा निकल जाएगा। ये तूने सच में अगर कुछ करा ना, मैंने तेरे क्या करा? जो ऐसे बोलते हैं और ऐसे लोग ट्राई भी करते हैं। दिखा रहा हूँ कि नहीं कर सकता, नहीं नहीं करना मुझे। वो गए सारे नूडल, वो सच में खा रहा है? अब चॉकलेट खा रहा हूँ भाई। हेलो 5 मिनट क्राफ्ट। हाँ तो सुनो,
बाहर में जाओ। तो एक दिन ना आप बहुत सारे काम कर रहे हैं एक साथ, लैपटॉप पे काम करते करते, नोटबुक में लिखते लिखते, फोन पे बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आप इतना सारा मल्टीटास्क कर नहीं पा रहे हैं, फोन नीचे गिर रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप टेप लेते हैं और फोन को अपने कान के साथ टेप कर लेते हैं, क्योंकि आप गधे हैं, आप बहुत बड़े वाले मूर्ख हैं, और अब आपकी जिंदगी एकदम सही हो गई है। आप कहते हैं इट वर्क्स बिकॉज अब आपने मूर्खता की एक वो मुकाम को छू लिया है जहां पे आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं और मैं ये देख क्या रहा हूं और देख क्यों रहा हूं और क्या मैं ये वाला हैक एक्चुअली में करने वाला हूं, और फिर उसका जवाब आता है हाँ, क्योंकि मैं तो गधा हूं। हेलो, हाँ, अरे वो हम बिस्कुट खाते खाते, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते करते, लैपटॉप पे काम करते करते तुमसे बात कर रहे हैं ना? हाँ। अरे यार कैसे करे सारा काम एक साथ? अब हम सारा काम कर सकते हैं, अभी बहुत सही हो रहा है। अरे वाह, क्या फोटो खींची है खच्चर की। अरे तुमको खच्चर नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इट वर्क्स। अरे कोई उठाओ यार, कोई। भाई मैं तो टूट गया, बेकार है बिल्कुल, टूट गया मैं भाई, टूट गया, खत्म हो गया यार मैं तो। एंड जस्ट अनदर डे इन द वर्ल्ड ऑफ लाइफ हैक्स, जहां पे आप अपने काम के लिए लेट हो रहे हैं क्योंकि आप लेट उठे, लेकिन अब आपको अपने दांत भी ब्रश करने हैं, साथ साथ टोस्ट भी खाना है, दो दो काम करने में काफी टाइम लगेगा, तो आप एक जीनियस हैक अपनाते हैं, क्योंकि आप गधे तो है ही है, तो आप अपने टोस्ट पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं। आप जैम नहीं, ब्रेड पे बटर नहीं, टूथपेस्ट लगा के अब टूथपेस्ट वाला सैंडविच खा रहे हैं। बधाई हो, आप सर्टिफाइड गधे, छपरी, नल्ले, बेरोजगार और भिखमंगे और चप्पल चोर बन चुके हैं, क्योंकि आप टूथपेस्ट वाला सैंडविच खा रहे हैं। अलावे ओ ये क्या कर रहे हैं? बेवकूफ, पेस्ट खा रहे ब्रेड पे लगा के। लाइफ हैक। पागल है तू? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, पागल है क्या? बेवकूफ है। फाइव मिनट क्राउड वाले बेवकूफ कहीं के। इस पे लिखा होता है मत, ये खाने वाली चीज नहीं है, डू नॉट फॉलो। लिखा हुआ है डू नॉट फॉलो, फिर भी खा रहे है तू? बताओ खा के देखो, बहुत यम्मी है। मैं नहीं खा रही। अरे मम्मी, ब्रेड के साथ टूथपेस्ट, इट वेरी। भाई मैं तो टूट गया, सच बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बेकार है बिल्कुल भाई, मैं तो टूट गया। और मेरा इतने टूटने के बाद भी तुमने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करी ना, तो भगवान तुमको भी तोड़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दो यार, सीरियसली मैंने बहुत लाइफ हैक्स करे हैं, बट इनसे ज्यादा वियर्ड वाले बिल्कुल नहीं करे, एंड इनमें से कोई भी लाइफ हैक प्लीज घर पे मत ट्राई करना, ठीक है? ऑल दीज लाइफ हैक्स वर परफॉर्म्ड अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन। आई होप यू गाइस एंजॉयड, लाइक द वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।